नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। अभी देखो मैं साथियों आपको मैं लॉकडाउन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। समय 5 बजे है और बाजार बंद होना शुरू हो गया है। देख लो दुकानें बंद हो गई है। ये भाई दुकान बंद कर रहा है, ये दुकान बंद हो गई है, वो कर रहा है दुकान बंद अपनी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए साथियों, शेयर कर लीजिए। लॉकडाउन की तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेशन रोड की। लोग दुकानें अपनी अपनी बंद करके घर के लिए रवाना हो गए हैं। ये भाई अपनी दुकान बंद कर रहा है, देख लो। धीरे धीरे सभी दुकानें बंद हो रही है। 5 बजे का समय था। दस मिनट बाद देखना साथियों आप इस सड़क को, अभी भीड़ देखो और 5-10 मिनट बाद देख लेना आप। लोग दुकानें बंद करके अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रही है, देख लो। ये देख लो भीड़, घर की तरफ व्यापारी रवाना हो गए हैं साथियों। सामने दुकानें बंद हो गई है। ट्रैफिक पुलिस है, बाजार बंद करवा रही है। आपको मैं ढाणी बाजार तक की तस्वीरें दिखाऊंगा। तो साथियों एक बार शेयर कर लो इस पोस्ट को। जल्दी से जल्दी बाजार बंद होना शुरू हो गया और लगभग हो गया है बाजार बंद। देख लो मारवाड़ हैंडलूम का मुख्य गेट बंद हो गया है, उसके आगती पागती दुकानें बंद हो गई है। लॉकडाउन का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है साथियों, ये देखो शांतिपूर्ण बंद हो रहा है बाजार बंद। दस मिनट बाद सड़क पर कोई नहीं दिखेगा साथियों, देख लेना आप। ये भीड़ धीरे 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 अपने घर की तरफ रवाना हो रही है, व्यापारी रवाना हो रहे हैं। मारवाड़ हैंडलूम के आगे मैंने आपको 2 बजे तस्वीरें दिखाई थी, अभी तस्वीरें देख लो साथियों। मारवाड़ हैंड ये नेशनल हैंडलूम के आगे की दिन में आपको मैंने तस्वीरें दिखाई थी, अब तस्वीरें देखो पूरा एकदम साफ हो गया ये। ये देख लो साथियों, अभी आपको मैं ढाणी बाजार तक ले जा रहा हूँ साथियों। तो उससे पहले एक बार शेयर कर लो, फिर आपको मैं पूरे सुनसान बाजार की तस्वीरें साथ में दिखाऊंगा। उससे पहले आपको व्यापारी जो दुकान बंद कर अपने घर की तरफ रवाना हुए वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बजते ही बंद हो गई है। एक बार शेयर कर लो और साथियों ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। आपको मैं लॉकडाउन की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ साथियों, बाड़मेर स्टेशन रोड से। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। पूरा बाजार बंद हो गया है साथियों। खाना
गांधी चौक है साथियों, उस समय कितनी भीड़ थी अब देख लो। अभी वापस मैं आपको स्टेशन रोड की तरफ ले आऊंगा साथियों, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। व्यापारी घर की तरफ रवाना होने के बाद अब कैसी शांतिपूर्ण है, एकदम कितना सुनसान है बाजार, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ एक बार। बाजार बंद हो गया है, व्यापारी अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। साथियों सुबह से करीब मैंने 3 या 4 बार आपको लाइव तस्वीरें दिखाई है, एक बार शेयर बनता है साथियों, एक बार शेयर कर लो और लाइक कर लो। ये बालाजी का मंदिर है, एक बार शेयर कर लो और लाइक कर लो, फिर आराम से देखो। धीरे धीरे बाबा धीरे। ये व्यापारी है अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ये देख लो। अभी साथियों मैं आपको यहाँ से वापिस रेल, यहाँ थोड़ी देर आपको नजारा दिखा के चारों तरफ का, फिर आपको मैं रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये नजारा यहाँ का दिखा लेता हूँ। ये बाड़मेर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी है, ये देख लो, दुकानें सब बंद हो गई है, व्यापारी अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। शांतिपूर्ण एकदम बाजार बंद हो गया है बाड़मेर का, 2 दिन के लिए लॉकडाउन है, रविवार और शनिवार और रविवार को, सोमवार को पता नहीं मार्केट खुलेगा या वापिस आके लॉकडाउन बढ़ेगा, उसका तो कह नहीं सकते हैं। तो उससे पहले 2 दिन के लिए शांतिपूर्ण बाजार बंद हो गया है साथियों। ये पुरानी सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, सामने माता जी का मंदिर है पहाड़ पर, गढ़ मंदिर, ये देख लो आप तस्वीरें, माता जी के मंदिर की तस्वीरें देख लो। नवरात्रि है, माँ जगदम्बा का मंदिर है। सब्जी मंडी भी बंद हो गई है साथियों। ये देख लो, उस समय मैं आपको दिखा के आया था, सब्जी मंडी दिखा ली थी उस समय यहाँ कितनी भीड़ थी। ये सब्जी मंडी एकदम शांतिपूर्ण बंद हो गई है। और इलोजी बाजार भी आपको मैं दिखा लेता हूँ, इधर व्यापारी सब दुकान बंद करके चले गए हैं घर। ये इलोजी बाजार है, 5 बजे का समय था, 5:20 हुए हैं और बाजार पूरा बंद हो गया है शांतिपूर्ण। ये इलोजी बाजार है, शांतिपूर्ण बंद हो गया एकदम, व्यापारी जा रहे हैं घर, देख लो लोग दे रहे हैं दुकान के। ये इलोजी बाजार है, देख लो शांतिपूर्ण पूरा बंद हो गया। ये देख लो सुनसान हो गया बाजार पूरा। ये इलोजी बाजार है, सामने इलोजी की प्रतिमा लगी हुई है बड़ी। एक बार शेयर, एक लाइक और एक कमेंट हो जाए, फिर आराम से लाइक देखो। मैं आपको अभी वापिस रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहा हूँ साथियों।
किलोजी बाजार तक मैंने आपको पूरा ये बाजार दिखाया है, सुनसान हो गया है और शांतिपूर्ण बंद कर दिया है व्यापारियों ने। धन्यवाद है सभी व्यापारियों का शांतिपूर्ण बंद करने के लिए। अभी आपको मैं रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहा हूँ, उससे पहले साथियों एक बार शेयर कर लो इस पोस्ट को। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सुबह से करीब मैंने 3 या 4 बार लाइव किया है। अरे सेठ जी, 5:30 बजी है, ये देख लो बजा दिया। इतनी लो मोरम ये बता। अरे अभी 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 बंद है। व्यापारी क्या है कि लॉकडाउन से नाराज है क्या व्यापारी? सुबह भीड़ थी वो कोरोना हो तो क्यों वे भी आली खड़ी देखी होती नहीं मार। ये देख लो बाजार, एक बार शेयर हो जाए साथियों, शेयर कर लो, अभी तक पोस्ट शेयर नहीं हुई है। करीबन 650 मित्र देख रहे हैं, एक बार शेयर करोगे तो 1200 लोगों के पास ये पोस्ट पहुंचेगी। अभी आपको मैं ले जा रहा हूं रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन से आपको मैं विवेकानंद सर्किल तक ले जाऊंगा। देखता हूं कितने मित्र मेरे हैं जो शेयर करते हैं इस पोस्ट को। पुलिस की जरूरत ही नहीं है, व्यापारी खुद समझदार है साथियों। ये रमेश जी लिख रहे हैं पुलिस कहां गई, पुलिस की जरूरत नहीं है, व्यापारी खुद समझदार है। 5:05 बजे का समय था और 5:05 पर इन्होंने बंद करके घर की तरफ रवाना हो गए थे। अभी 5:25 हुए है, व्यापारी 99% घर चले गए हैं, 10% अभी तक ये जा रहे हैं घर। बाकी व्यापारियों की भीड़ कम है और दूसरे लोगों की भीड़ ज़्यादा है, जो खरीदारी करने आए थे उनकी भीड़ है, व्यापारी यही नहीं। व्यापारियों ने बंद कर दी दुकानें, देख लो व्यापारी तो बंद करके गए। करीब 750 मित्र देख रहे हैं लाइव, एक बार शेयर हो जाए साथियों। गांधी चौक से फिर वहाँ बड़ी सड़क है, फिर आपको लाइव तस्वीरें देखने में थोड़ा आनंद आएगा। बाजार की भीड़ सुनसान हो गया है, बाजार मार्केट। लगभग व्यापारी घर गए साथियों। देख लो साथियों, करीब 800 मित्र देख रहे हैं अभी। पूरा बाजार बंद हो गया साथियों, देख लो। व्यापारियों को पता है 5,000 का चालान कटेगा, उससे पहले इन्होंने बंद कर दी, समझदार व्यापारी थे।
शांतिपूर्ण बंद हो गया साथियों बाजार। धन्यवाद है बाड़मेर के व्यापारियों को जिन्होंने पुलिस की बिगर मदद बाजार को शांतिपूर्ण बंद कर दिया। पुलिस की कोई जरूरत नहीं रही। पुलिस भी पहुंच गई यहां पर रेलवे स्टेशन पर। एसडीएम तहसीलदार सभी पहुंच गए हैं। पुलिस खिलाफ रोक मैंने ये तहसीलदार पटवारी अराई सब यहाँ मौके पहुंच गए हैं और सामने देखो व्यापारियों ने शांतिपूर्ण बाजार बंद कर दिया है। ये साथियों मैं आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ लाइव। अभी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। करीब 900 मित्र देख रहे हैं अभी लाइव। तो एक बार शेयर हो जाएगा ना तो 1800 मित्रों के पास ये पोस्ट पहुँच जाएगी। ये रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। ये पालिका बाजार है, बाड़मेर का सबसे बड़ा बाजार है। पालिका की ओर से तैयार किया गया है। सिर्फ 1% अभी तक व्यापारी घर जा रहे हैं, बाकी बिल्कुल व्यापारी घर चले गए हैं। 1% बाकी है अभी तक, वो भी धीरे धीरे लंबी दूरी वाले हैं, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन की पूरी पालना हो रही है। बस व्यापारी घर चले गए, पूरे व्यापारी घर, दुकानें बंद, मात्र पुलिस के अलावा कोई नहीं है। और ये कोई गाड़े वाले हैं, इनको हम धक्का दे रहे हैं। कल लगेगा लॉकडाउन, कल और परसों 2 दिन बंद है बाजार।
लॉकडाउन है। संपूर्ण राजस्थान बंद है कल, कल और परसों दो दिन। यार गुजर पड़ो जरा अभी बोलो। तो धन्यवाद साथियों, जुड़ी रहिए चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। अब बजे है साथियों 5:30, 6:30 बजे साथियों मैं वापस लाइव आऊंगा एक बार, एक घंटे बर्बाद। तो एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो, फिर अपन नए लाइव के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। 6:30 बजे साथियों तैयार रहना, वापिस आपको स्थिति दिखाऊंगा शहर की क्या स्थिति है। फिक्स 6:30 बजे मैं वापिस लाइव आऊंगा। अभी इस लाइव को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। 6:30 बजे तैयार रहना साथियों।